Welcome to assurance classes, and now we are going to discuss about the application number one using Gauss theorem. So let's start. Electric field intensity due to infinite long straight charged wire. What does it means? एक straight wire है जिसपे हमने एक charge spread कर दिया है. मैंने यहाँ पे positive charge spread करा और उसे horizontally रखा, and the length of that wire is minus infinity to infinity. So this is a wire that is placed horizontally, and we are having the length that is minus infinity to infinity. That arrow shows that it is going towards the infinity. Now, what is this basically? This is a Gaussian surface. इस Gaussian surface से मैंने इसको close करा, क्योंकि we all know that if we require a flux calculation करनी है या electric field calculation करनी है, so first we require a Gaussian surface to cover the surface. So we are having a cylinder over here. Now अब हमने क्या देखा, इसका रेडियस r होता है, इसकी लेंथ l होती है. ये हमने एक छोटा सा इसका सरफेस एरिया लिया, ठीक है, जो कि ds हमें दे रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म निकलेगी, तो ये नीचे की तरफ जा रही होगी बॉटम साइड से. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही है, और ds सरफेस निकल रही है लेफ्ट साइड. सिमिलरली हमारी तीसरी सरफेस जो है वो है ऊपर, दैट इज सी. यहाँ पे ds कैसे निकल रहा होगा, ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल ऊपर जा रहा होगा उसका, ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखो ये रहा, ठीक है. नाउ अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो हमने यहाँ क्या किया कि गॉस थ्योरम यूज करी, दैट इज ई डॉट डी एस इंटीग्रल सर्विस इंटीग्रल, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हमें ई निकालना था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों सर्फेस की कैलकुलेशन लेंगे, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस. अब फैक्टर लॉ के थ्रू हमने उसको ओपन किया डॉट प्रोडक्ट को, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कॉस 90 हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा था, ए और बी हमें डायग्राम में दिख रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा. तीसरा वाला बचेगा ई डॉट डी एस, कॉस जीरो इज वन. ई डॉट डी एस में ई मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे निकालनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे वो अननोन है. डी एस हमें पता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर ए, ठीक है. नाउ ये आ गया हमारा, ठीक है, और फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ हमें क्यू बाय एप्सिलॉन जो दिया हुआ है, तो क्यू को यहाँ मैं लूंगा लैम्डा एल. क्यों लिया मैंने यहाँ पे लैम्डा एल, ये देखिए क्यू को यहाँ पे मैंने लिया है लैम्डा एल. रीजन है क्यू को लैम्डा एल लेने का, बिकॉज अगर चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में स्प्रेड होता है तो उसे हम बोलते हैं लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्डा एल. हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है. अब यहाँ बात करी जाएगी, इक्वल रख दिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, और ई की वैल्यू निकाल दी. वेक्टर फॉर्म में लेना है तो यूनिट वेक्टर का इनटू कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया हमने. सो ये पॉइंट्स हैं, आप इसे पॉज करके मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर एप्लीकेशन, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट. अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन की बात करी थी, अब हम एक शीट की बात करते हैं. तो सबसे पहले कंसिडर करो एक चार्ज शीट, ठीक है, दोनों तरफ चार्जेस है, यानी कि एक अगर शीट वर्टिकली रखी है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रही होगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ. तो हमने पहले एक क्लोज सरफेस ली सिलेंडर, फिर वहाँ पे वही आर और एल लिया, है ना, फिर हमने क्या देखा, ए माना एक पॉइंट, फिर एक बी पॉइंट माना, ये दिखाया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों तरफ जा रहा है, एक सी पॉइंट माना अगेन, ये अपवर्ड जा रहा है. अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ई डॉट डी एस, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम गॉस. तो ये देखो ए बी और सी, यहाँ पे भी एंगल्स की बात करो तो दो में देखो एंगल जीरो नजर आ रहा है, एक बी साइड पर एक ए साइड पे, है ना, बाकी ऊपर वाले में क्या दिख रहा है, सी पे 90 डिग्री, वो जीरो, तो टू ई डॉट डी एस. अब अगेन यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करी जा रही है, तो देखो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है हमें, तो यह सरफेस एरिया में किसका लूंगा भैया, सर्कल का लूंगा. तो ये मैंने यहाँ सर्कल का एरिया कितना लिया, पाई आर स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है. नेक्स्ट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करें, तो क्यू इंटू एरिया ले लिया मैंने पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे सिग्मा क्यों लिया, देखो वहां लिया था मैंने लैम्डा एल, यहाँ लेंगे सिग्मा ए, क्यों, सरफेस एरिया की बात हो रही है. तो याद रखना इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लैम्डा को हम कहते हैं यहाँ पर क्यू बाई एल, ठीक है. तो क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल होता है लाइन चार्ज के लिए, और क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू सरफेस एरिया
for the charged density, surface charge density. Now यहाँ वैल्यू पुट अप करी, कैंसिल आउट हुआ और आपके पास सामने रिलेशन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपको आना ही चाहिए. सो मेंशन दिस वन. ठीक है, एंड काइंडली नोट दिस डेरिवेशन इन योर कॉपीज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. द अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम विल बी एक्सप्लेन. और अश्योरेंस क्लासेस में मैट्रिक्स की वीडियो भी डाले हुए हैं. सो रो एलिमेंट्री मेथड है, उसमें जो 6 मार्क्स की आती है वो भी आप देख सकते हैं, वो 110% आती है. एंड मेक श्योर कि आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं. न्यूमेरिकल पे वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो मैं लॉन्च करने वाला हूँ न्यूमेरिकल पे, जो कि कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पोजिशन, डाइपोल मूवमेंट, कंप्लीट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर एनसीईआरटी के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.